वेलकम टू आवर चैनल लिमरा एक सोच। आपकी सोच, हमारी सोच, हम सबकी सोच, लिमरा एक सोच। लिमरा की यही सोच है, आपको एजुकेशन देना है, आपको एजुकेशन लेना है। आज हम जो बात करने वाले हैं, प्रिज्म की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, जिसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है एंगल ऑफ डेविएशन। कि एंगल ऑफ डेविएशन का क्या कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ प्रिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा प्रिज्म होता क्या है। तो हम बात करेंगे प्रिज्म की। अगर आपने देखा होगा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो इस आसमान में रेनबो बनता है, अगर अचानक सनलाइट है आसमान में, ठीक है, सनलाइट आपने देखा होगा, है ना, और बारिश अचानक हो जाए, अचानक रेन हो जाए सनलाइट में, अगर मतलब कि गर्मी के मौसम में अचानक बारिश हो जाए और कुछ देर बाद बारिश छूट जाए 10-15 मिनट में, आपने क्या नोटिस किया होगा आसमान में, एक रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है, कलर फॉर्मेशन होता है, जो 7 कलर्स के होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेनबो। तो जो रेनबो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो डिस्पर्शन पे करता है। तभी हम यहाँ पे समझेंगे डिस्पर्शन क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, स्क्रीन क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम देखें, एक ड्रॉइंग बनाते हैं, उससे आपको एक्सप्लेन करते हैं और क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये, मैंने बनाया एक ट्रायंगुलर से प्रिज्म, ये 3D व्यू है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मैंने इसका सिर्फ फ्रंट व्यू बनाया है, एक बैक व्यू होगा ट्रायंगल और इसका साइड व्यू होगा, 3 लेटरल सरफेस होगा, वो डेट इज रेक्टेंगुलर। ध्यान से समझना, इसके 2 ट्रायंगुलर सरफेस होंगे, ट्रायंगल का सरफेस 2 होगा, एक सामने वाला होगा और एक जस्ट इसके पीछे वाला होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका ट्रायंगुलर जो प्रिज्म होता है, ठीक है। अच्छा, फिर साइड में भी तो इसके सरफेस होगा, जस्ट लाइक अगर ये इस तरह से है तो आप देखें ये क्या है, ट्रायंगुलर बन गया। इधर भी आपका क्या हो गया, ये ट्रायंगुलर है, और एक नीचे से भी तो होगा, ये ट्रायंगुलर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगुलर होगा और 3 रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। ये जस्ट लाइक दिस इज ट्रायंगुलर हो गया, और ये और ये और ये नीचे वाला जो है वो आपका रेक्टेंगुलर हो गया। तो अब यहाँ पर समझो 3 लेटरल सरफेस और 2 ट्रायंगुलर सरफेस, और यहाँ पर आएगा एक कॉन्सेप्ट आएगा एंगल ऑफ प्रिज्म का, कि एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है। सपोज ये जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म हम कहते हैं 2 लेटरल सरफेस के बीच के एंगल को। ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला, ए, ए स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, जब 2 लेटरल सरफेस लेते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है, लेटरल सरफेस यानी 2 हमने क्या ले लिया, रेक्टेंगुलर सरफेस ले लिया, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अब हमने ये यहां से लाइट ले लिया, ये देखें, तो ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है ना, तो ये जो इंसिडेंट लाइट हो रहा है इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये क्या है आपका, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट ऑफ सिंगल कलर, एक कलर का जो लाइट होता है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, और जनरली ये आपका क्या होता है, व्हाइट लाइट होता है। व्हाइट लाइट जो होता है वो आपके क्या होते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसका ये रिफ्रेक्टेड रे हो गया, कुछ एंगल डेविएट करेगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर यहां से ये इधर चला जाएगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पे सीखने का चीज क्या है, जब ये लाइट इधर से आएगा, ये आपके टोटल कितने कलर में जाएगा, 7 कलर में स्प्लिट करता है, इसके कितने कलर में, 7। ये जो लाइन है ना यहाँ पे, एक इस तरह से आपको 7 लाइट मिलेंगे, ये जो लाइट ऑफ 7 कलर्स है, समझ में आ रही बात, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो गया, लाइट ऑफ डिफरेंट कलर, और ये एक स्क्रीन है, हमने स्क्रीन यहाँ पर लगाया, क्यों लगाया स्क्रीन यहाँ पे, स्क्रीन लगाने का हमारा मोटो क्या है, हमने स्क्रीन इसलिए लगाया है ताकि हम इस कलर को ऑब्टेन कर सके। हम देखेंगे कैसे, जब तक आप स्क्रीन नहीं लगाएंगे आप देख नहीं पाएंगे। तो ये जो स्क्रीन आपका लगा है, That is called the term spectrum. क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, ये जो वर्ड आएगा स्पेक्ट्रम, और फिर स्पेक्ट्रम में भी आप आगे आएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। पर बच्चे लोग, यहाँ पर आपको जो समझना है अभी फिलहाल, समझो स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम क्या है, when the band of 7 colors, ये जो 7 color का band है,
जब आपको स्क्रीन पे मिलेगा, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो है आपका, ये क्या आपका प्रिज्म है। प्रिज्म में क्या होता है, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ठीक है ना। और इसमें बाहर वाला जो है वो रेयर मीडियम एयर, और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिज्म है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हाइट लाइट। अच्छा, अब ये जो है, ये जो लाइट यहाँ पे बनेगा वो किस फॉर्म में बनता है, प्योर फॉर्म में बनता है। ये जो विव्योर है मतलब क्या हुआ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड कलर जो है वो सबसे टॉप में होगा, इसका डेविएशन कम होगा, और सबसे ज्यादा डेविएशन यहाँ पे किसका हो रहा है, वायलेट का हो रहा है। तो लिस्ट डेविएशन किसका है आपका, देख लो यहाँ पे रेड कलर वायलेट का मैक्सिमम हो रहा है, बेंडिंग ज्यादा हो रहा है ना, और ये हो रहा है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिज्म स्पेक्ट्रम। अब जो हमें बात करना है यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, जो मैंने बात किया कि रेड का डेविएशन क्या होगा, वायलेट का डेविएशन क्या होगा, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। ये जब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की, तो इसके लिए हम एक और ड्राइंग बनाएंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। अब देखो बच्चे लोग, आगे जो हमें बात करना है वो है कंसेप्ट हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको देखें कुछ बुक में जो सिंबल होते हैं वो आपको यूज किया जाता है डेल्टा, ठीक है, और कुछ बुक में जो सिंबल यूज किया जाएगा वो आपका कैपिटल डी, और कुछ बुक्स में जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे स्मॉल डी। मैं अगर 10th क्लास के अगर बात करूं तो डी में मिलेगा आपको, कैपिटल डी मिलेगा एंगल ऑफ डेविएशन, और अगर मैं 12th की बात करूं तो आपको डेल्टा मिलेगा एंगल ऑफ डेविएशन, और अगर मैं 8th क्लास में बात करूं तो आपको ये डी मिलेगा। सबका मतलब एक ही है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमें यह समझना है एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। तो इसको सबसे पहले तो आपको डिफिनेशन जानना पड़ेगा, और फिर हम इसका क्या करेंगे, लेआउट बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, और हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे लोग, एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, समझो। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, एंगल बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्या है यहाँ पे देखो, क्या हो गया यहाँ पर, इट इज द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ड्रॉइंग से देखो यहाँ पे, ठीक है, ये प्रिज्म, यहां से हमने एक लाइट पास कराया और ये इधर चला जाएगा, और इसका ओरिजिनल डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, जहां पर ये दोनों मिलेगा इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हमें अच्छे से समझना है, डिटेल में हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखो, हम लोग बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज बात किया था, एंगल ऑफ प्रिज्म की बात किया था। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या था, दो लेटरल सरफेस के बीच का एंगल, दो रेक्टेंगुलर सरफेस के बीच का जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। फिर हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया था यहां से, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे। इस रे को क्या बोलेंगे, इसका सब कोई नाम दे दिया पी, और इस पॉइंट पे आपने नाम दे दिया क्यू, ठीक है। अब यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो सोचो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें। जनरली हम क्या करते हैं, अगर ये हमारा इस तरह से प्लेन है तो ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, ये जो यहां पर बनेगा आपका, देखो यहां पर ध्यान से, अगर मैंने ऐसे रखा ये जो पोर्शन है ये वाला है ना, अगर ऐसे यहां पे ले लिया मैंने, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका क्या है 90 डिग्री एंगल है ना नॉर्मल। सेम वे यहां पे भी मैं वही करूंगा, तो यहां पे ऑलरेडी देखें अगर ऐसा होता तो ये आपका 90 डिग्री हो गया है ना, इस तरह से हो गया 90। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ये घुमा दू, इंक्लाइन है, तो 90 डिग्री ऐसा होगा, समझ मारी बात। तो यहां पर भी ये जो मैंने डॉटेड लाइन शो किया है ये है आपका 90 डिग्री है, इसको नॉर्मल कहेंगे, इसको नाम दे दो एम एम डैश। तो आपने पढ़ा था एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, सही था, ये आप हो गया एंगल आई हो गया। और आपने ये भी पढ़ा था ये क्या है, रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। तो हम यहाँ पे ड्रॉइंग बना देते हैं, बात समझ में आया, इसका नाम दे दो, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया आर दे दिया। तो ये जो आर है क्यू आर, ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अगेन यहां पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, इसको भी नाम दे दो कुछ एन एन डैश, दे दिया एन एन डैश, और यहां पे इसका पॉइंट का नाम क्या आर हो गया। अब यहां से लाइट क्या हो रहा है आपका, देखो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां बनेगा, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तो ये आपका क्या रिफ्रैक्टेड रे है और ये क्या हो गया आपका नॉर्मल हो गया, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखो आगे यहां से, व्हेन लाइट अगेन गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगा, तो नॉर्मल ये है इससे दूरी हो जाएगा, दूरी बना लिया, समझ में आई बात। इसका नाम दे दो सपोज एस दे दिया, आर एस दे दिया, तो ये जो मेरा बना लाइट पी क्यू क्यू आर और आर एस, तो पी क्यू को हम क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्यू आर को हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, आर एस को क्या बोलते हैं इमरजेंट रे बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको इमरजेंट रे। तो यहां पे फिर एक एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा, तो एंगल बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द नॉर्मल, इमरजेंट रे और जो नॉर्मल के बीच का एंगल है ये हो जाएगा, तो ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है यहां तक क्लियर। नेक्स्ट पार्ट जो अब इसका है, हमें एंगल ऑफ डेविएशन लाना है, तो एंगल ऑफ डेविएशन लाने के लिए हमें क्या करना है ये देखिए आप लोग, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये कर दिया, ठीक है, और इमरजेंट रे को पीछे ले जाओ, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। किसी में आप डेल्टा से ले लो, या अगर आपको यहाँ पे डी लेना है तो आप डी से ले लो, आपकी मर्जी है, समझ में अब आया ये कॉन्सेप्ट। तो इसका अगर नाम लिखना है तो आप यहाँ पे लिख लो पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर जो है आपका वो क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और जो आपका यहां पर क्या हो गया आर एस, आर एस जो आपका हो गया वो क्या हो जाएगा इमरजेंट रे, ठीक है यहां तक। अब इसमें जो ई है, ई क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, अच्छा अब यहां पे आर क्या था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, आई क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फाइनली हमारा चाहिए था डी, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। जितना हमने जो मेहनत किया इस पूरे लेक्चर में, हमें लाना क्या था एंगल ऑफ डेविएशन जो सीखना था, किसका डेविएशन ज्यादा है। अब सपोज यहां पे देखो डी क्या हो गया आपका, डी को हम लिखेंगे बोल्ड लेटर में, ठीक है, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, इसी के लिए सारा मेहनत था हमारा ना, तो इसको हम कहां लिखे इधर लिख देते हैं, तो डी हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। अब खुद सोचो जब यहां से सेवन लाइट जब जाएगा, इस तरह से जब सेवन लाइट जाएगा तो किसका डेविएशन ज्यादा हो रहा है, विवियोर में रेड का होगा या वायलेट का होगा, ये आप डिसाइड करो। इसको मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, और कमेंट सेशन में आप मुझे आंसर करोगे किसका डेविएशन ज्यादा होगा, रेड कलर का डेविएशन ज्यादा होगा या वायलेट कलर का डेविएशन ज्यादा होगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर कोई डाउट हो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, सी यू सून।